मैं आ चुकी हूँ आमेर का किला ना, और अभी मैं अंदर जा रहा साई का, तो अंदर से थाना जरूर बताऊंगा कहीं साई के अंदर, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा था, मैं भी इससे पहले कदे घूम गया एक अंदर। तो मैडम मेन गेट की जो एंट्री थी वो ढूंढ रहा था, मन ध्यान ही कौन कोडे था मेन एंट्री कोड था, तो देखा था मान लादरी भूज रहा था चाव झंडी और अंडर बताया था, तो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, देख सकते थे अंदर को। तो बस फाइनली मैंने मेन गेट की एंट्री मिली थी, टिकट ले हुआ लसू। इधर शायद ये गार्डन में जावा की एंट्री चाहिए, और मैं गार्डन में घूम जा रहा, मैं ऊपर किला में जा रहा था। कैसे अंडा सेल्फी स्टिक भी चाहिए अगर तो नहीं, दुकान भी अंडा थोड़ी बहुत, और अब मैं जा रहा था ऊपर किला पर, और अंडा कुछ खरीद सकते थे अगर आओ तो, बेड वगैरह। आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है, हम आधी दूर आ चुके ऊपर और आधी दूर चढ़ना बाकी है, और ये एंट्रेंस गेट आ चुका है। तो फाइनली हम आमेर महल में एंटर करने वाले हैं, चलो। तो गाइस हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं अंदर, और यहाँ पर एंटर करते ही आपको इस तरीके से भी दिखाएंगे। इधर से आप एंटर करोगे तो इधर से आपको पूरा व्यू दिखेगा ऐसे, और अभी तक वहाँ से शायद ऊपर जाना है, वहाँ से और ऊपर जाना है, जा रहे थे ऊपर, ऊपर जानो चाहे तो जानो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज तो ना, क्योंकि भीड़ क्यों है यहाँ पे? आज अष्टमी का मेला है गाइस, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है आमेर महल में, नहीं तो आम दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती, देख सकते हैं आप। गाइस ये है आमेर के पीछे का व्यू, गाइस हमें टिकट वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि अंदर यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको टिकट मिल जाएगा, उसके बाद हम इस महल में जाएंगे और अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कैसा है, और हम खुद भी फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हमें भी नहीं पता किधर से क्या है, लेकिन चलते हैं, सो लेट्स गो। तो गाइज मैं अंदर आ चुकी हूँ टिकट लेर, और ये अंदर देख सकते थे अंडी से अंदर आया था अंडी से, और अंडी को नज़ारा देख सकते थे, अब मैं अंदर जा रहा था, चलो अंदर। यहाँ से गाइज आमेर माउंट हब देख सकते हैं आप, पूरा आमेर शहर दूर दूर तक, अब अंदर चलते हैं गाइस महल में, चलते हैं अंदर, अब अंदर चलते हैं, ये देख सकते हैं आप महल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, और अब हम जा रहे हैं अंदर। हमने एंटर कर ली है, यहाँ से देख सकते हैं आप बाहर, यहाँ से एंटर किया है हमने, और अब हम जा रहे हैं अंदर। गाइस अंदर एंटर करते हैं छोटा सा गार्डन जो, और
देख सके तो चारों तरफ महल चाहे छोटा सा गार्डन चाहे अंडस में अंदर आए था और ये अंडेर अंदर को छया पूरो और हाँ फिल्म 14 अक्टूबर में गाना है ना जश्ने जश्ने बाहर आए उसकी शूटिंग इस जगह पे हुई थी। इस जगह पे शूटिंग हुई थी। मैंने तो सुना ही नहीं वो गाना। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर महल के अंदर। ऊपर भी कांच लगे रहे थे गाइस। देख सके थे तन दिख रहे होगा कांच। किधर से जाते हैं अंदर? क्या? अंदर कौन जावे दे? तो गाइस अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे कि अंदर कौन जावे दे पर वाओ ऊपर देख सकते हैं ऊपर और भी बढ़िया से ठीक मैं वो दिया रही रहो तो मतलब लाइट तेरे उन तो पहले कांच तारी लग रहे थे ना जो बारियां जलाओ तो ये चारों मिनट पहले और हम रोक नहीं रहे यहाँ पे मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ आपको कैसा है ये बहुत ही वो कांच ही कांच का है गाइस पूरा पूरा कांच ही कांच लगा हुआ है इसमें। तो गाइस अब हम आ चुके हैं ऊपर ये है वो रानियों के कमरे ये किवाड़ है ऐसे किवाड़ हमारे पुराने घर के भी है मम्मी अपने पुराने घर का किवाड़ जाना चाह और ये है रानियों के रूम जो रानियाँ रहती थी 12 रानियाँ उन्हीं के रूम है 12 अपार्टमेंट है 12 रानियाँ थी तो 12 अलग अलग चौक है उनके अलग अलग रूम है उनके बच्चे बच्चों के उनके तो ये बीच का चौक था ऐसे इन्होंने बताया हमें ये बीच का चौक था रानियों का और यहाँ पे जैसे एक रानी इधर रहती थी तो एक रानी इधर ऐसा उन्होंने बताया और अब हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर भी ज़्यादा जैसे एक रानी का ये हो गया एक रानी का यहाँ पे रानियाँ आकर मीटिंग किया करती थी ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं हमें भी कुछ नहीं पता और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो रानियाँ होती थी वो उनकी जो सुरक्षा करते थे वो सैनिक नहीं होते थे किन्नर जो होती हैं वो उनकी सुरक्षा करती थी वो ऊपर उनके पास रहती थी और अब हम नीचे जा रहे हैं ये है महल मैंने आपको अंदर से भी बता दिया और ये ऊपर वाली फ्लोर पर हम नहीं गए क्योंकि वहाँ ऊपर से हमारे पास टाइम कम है तो हम वहाँ ऊपर नहीं गए और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे और जहाँ से एंटर किया था हमने वहीं जा रहे हैं वापस गाइस ये महल इस तरीके से दिखता है यहाँ से ऊपर की डिजाइन दिखाती हूँ मैं आपको गाइस ऊपर भी काफी अच्छी डिजाइन है गाइस ये है पाल की रानी होगी अगर आपको दिख रही होगी तो कैसे लग रही है महल सही था मस्त था मस्त मस्त डिजाइन वगैरह Oh, 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 oh
चौथे का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं आमेर महल के जस्ट नीचे। ये आमेर रोड जा रहा है, आगे दिल्ली रोड आमेर कुंडा पर मिलता है। ये पूरा आमेर की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ से है रसोई? त्रिपुलिया गेट के समीप। चलो नीचे चलते हैं गाइस। हम आपको ये राजा महाराजाओं के खाना बनाने के जो बर्तन है वो दिखाते हैं। इसमें वो खाना बनाते थे अपने अपने लिए। म्यूजियम गैलरी आप देख सकते हैं इन बर्तनों में खाना बनाया जाता था। अपने गांव की भाषा में परसों भी कहते हैं। ये हमारे भी था किसी जमाने में, ज़्यादा नहीं 15-20 साल पहले था ऐसा हमारे पास हमारे गांव। इधर से क्या है? एक और वो देख ले रहा। एक ये गाइस, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है। और अब उधर से बाहर जाने का रास्ता है। गाइस अब हम पीछे के रास्ते से निकल रहे हैं बाहर। और कौन सी फोटो? हाँ यहाँ से देख सकते हैं आप बाहर की। मैं आ चुके हैं नीचे। और अगर था ना ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर बता दीजिए। और चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और नया नया वीडियो देखवा के लिए।